चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग एंजाइम पढ़ रहे थे और एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम का एक्शन और उसका इनहिबिशन हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंजाइम का क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर भी हमने एक देखा था, नॉमेनक्लेचर में हमने जो मॉडर्न नॉमेनक्लेचर है उस मॉडर्न नॉमेनक्लेचर को देखा था। और मॉडर्न नॉमेनक्लेचर को याद करें तो मॉडर्न नॉमेनक्लेचर में किसी भी एंजाइम को नाम करने के लिए, उसका नामकरण करने के लिए, उसे नेमिंग करने के लिए तीन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट होता है किस तरह के सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम रिएक्ट कर रहा है, और दूसरा है क्या रिएक्शन कर रहा है, और तीसरा उसके साथ एक सफिक्स लगाते हैं एज। तो किस तरह का रिएक्शन एंजाइम परफॉर्म करता है उसी के बेस पर एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखते हैं कौन कौन से बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के। जैसे एक एंजाइम का बेसिस है जिसे बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, एक क्लास है जिसे बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या दोनों एक्टिविटी में परफॉर्म करते हैं, दोनों एक्टिविटी परफॉर्म कराते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ध्यान से सुनना, या तो ऑक्सीडेशन करा रहे या रिडक्शन करा रहे या दोनों करा रहे हैं, यानी रिडॉक्स रिएक्शन भी करा रहे हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस देखते हैं हम लोग, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर हम बात करें तो उसमें वाटर जो है फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ठीक है। अपन पढ़ते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक साथ बाइंड करते हैं उस रिएक्शन में तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज होता है और वाटर भी रिलीज होता है। तो उसमें वाटर का ऑक्सीडेशन होता है जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो वो किस तरह का रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस? वो रिडॉक्स रिएक्शन है। और जो भी एंजाइम उस पर फंक्शन को परफॉर्म करा रहा है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो एंजाइम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन परफॉर्म कराता है दो सबस्ट्रेट के बीच में। यहाँ पर एक सबस्ट्रेट है एस और एक सबस्ट्रेट है एस डैश, दो सबस्ट्रेट है। एस को रिड्यूस्ड, एस जो है रिड्यूस्ड है उसको ऑक्सीडाइज कराता है, और एस डैश जो है ऑक्सीडाइज्ड है उसको रिड्यूस कराता है। तो रिएक्शन के बाद देखेंगे एस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड मिलेगा और एस डैश जो है वो रिड्यूस्ड मिलेगा, और ये होगा क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा जो ग्रुप है क्लासिफिकेशन का जिसे हम बोल रहे हैं ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज में क्या कर रहा है? ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे पे ट्रांसफर कर देता है, और इसे बोलते हैं ट्रांसफरेज। जैसे क्या है यहाँ पर लिखा हुआ कि कैटलाइज अ ट्रांसफर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल देखते हैं, एक सबस्ट्रेट है एस, उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है जी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये हमारा ओवरऑल सबस्ट्रेट है, एस के साथ अटैच है फंक्शनल ग्रुप जी, और एक दूसरा सबस्ट्रेट है एस डैश। तो जी को इसने क्या किया, एस के साथ अनबाइंड करके एस डैश के साथ बाइंड कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया किसने, ट्रांसफरेज ने, और ये दूसरा क्लास है किसका, एंजाइम का, नॉमेनक्लेचर के बेस पर हम फंक्शन के बेस पर बात कर रहे हैं। तीसरा जो है हाइड्रोलेज एंजाइम है। हाइड्रोलेज क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस कॉज करता है। हमने जब बायोमोलिक्यूल में एस्टर बॉन्ड या और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ा था तो वहां पे डिहाइड्रोजनेशन पढ़ा था, वहां पे डिहाइड्रेशन होता है, वाटर बाहर निकलता है, और अगर उन बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो वाटर अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे वाटर की प्रेजेंस जरूरी होगी। सो कैटलाइजेस हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड ब्रेक होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फेट नाइट्रोजन बॉन्ड, ये जो है ये सभी क्या है, ये सभी हाइड्रोलिसिस इनकी होती है, वाटर की प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो जो एंजाइम इन बॉन्ड्स की हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कराएंगे वो हाइड्रोलेज एंजाइम कहलाएंगे। थर्ड आता है लाइज एंजाइम। लाइज जो है ये भी लाइसिस कॉज करता है, ये भी ब्रेक डाउन कॉज करता है, बट विदाउट, ठीक है, विदाउट हाइड्रोलिसिस, बिना वाटर की प्रेजेंस के ये ब्रेक डाउन कॉज करता है, ठीक है। जहां पर वाटर का प्रेजेंस था वो हाइड्रोलिसिस हो रहा था, यहां पर
लाइज बिना वाटर की प्रेजेंस के ब्रेकडाउन कॉज करता है. सो कैटलाइजेज रिमूवल ऑफ ग्रुप बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड. तो ये जब बिना वाटर को इन्वॉल्व किए, बिना वाटर की प्रेजेंस में जब ये हाइड्रोलिसिस, जब ये ब्रेकडाउन कॉज करेगा, और ब्रेकडाउन कॉज करेगा तो उसकी वजह से डबल बॉन्ड हमें मिलेंगे. जहां ये देख सकते हैं एग्जांपल में हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, एक सबस्ट्रेट है जिसमें हम देख रहे हैं कि दो कार्बन का एक चेन है जिसमें एक तरफ एक्स फंक्शनल ग्रुप है और एक तरफ वाई फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, ये दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं. अब इसने क्या किया कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया और जो फंक्शनल ग्रुप थे उनको एक साथ जोड़ के एक अलग बॉन्ड बन, एक अलग कंपाउंड बना दिया. तो ये क्या हो गया, ये लाइसिस हो गई जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो रहा है. दिस इज बिकॉज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें वाटर इन्वॉल्व नहीं है. तीसरा आता, सॉरी फिफ्थ आता है आइसोमरेज. आइसोमरेज हो गया एक ऐसा एंजाइम जो सबस्ट्रेट को उसके आइसोमर में चेंज कर देता हो. जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस याद करो, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ठीक है, और वो चेंज हो जाता है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में. बच्चों याद है ग्लाइकोलाइसिस में मेरे ख्याल से ये तीसरा स्टेप होता है, ग्लाइकोलाइसिस का तीसरा स्टेप ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट चेंज हो जाता है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में. तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे ग्लूकोज अपने आइसोमर फ्रक्टोज में चेंज हुआ. और वो किस तरह के एंजाइम की एक्टिविटी से चेंज हुआ था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट चेंज हो जाता है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का ये एक स्टेप था अगर आपको याद होगा, आई थिंक थर्ड स्टेप है ये. ठीक है, थर्ड स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का. तो वहां पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो आइसोमरेज है. फिर आता है लाइगेज एंजाइम. ये एंजाइम का नाम कई बार हमने सुना होगा, लाइगेज एंजाइम, इसे मॉलिकुलर ग्लू कहा जाता है. मॉलिकुलर ग्लू अगर आपको याद हो बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा है, ये वो एंजाइम है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, लाइगेज एंजाइम. तो दो छोटे मॉलिक्यूल्स या दो से ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना सकता है, कौन, लाइगेज एंजाइम. और बायोटेक्नोलॉजी में इस एंजाइम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वहां पे जब हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, जीन्स को आपस में हम जोड़ते हैं, चाहे हम फॉरेन जीन और प्लाज्मिड को ही जोड़ने की बात करें, तो वहां जब हम जीन्स को आपस में जोड़ते हैं तो लाइगेज एंजाइम का ही यूज करते हैं. और एक आपने अगर याद किया होगा डीएनए रेप्लिकेशन, आपको याद होगा डीएनए रेप्लिकेशन में एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है और एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है. बच्चों याद है आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन? हाँ, तो जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है वो उसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट होते हैं जिनको बोला जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट. और ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज एंजाइम, और इसीलिए इसे मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है. ठीक है, तो ये कई तरह के बॉन्ड्स को ज्वाइनिंग, उनके कई तरह के कंपाउंड्स को जोड़ता है, नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, और इसीलिए इसे लाइगेज एंजाइम कहा जाता है. उम्मीद है. फिर आते हैं एंजाइम के हम कंपोजिशन की बात करें. ठीक है, एंजाइम के कंपोजिशन की बात करते हैं. तो हमें मालूम है कि सबसे पहले हमने एंजाइम में पढ़ा था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. ठीक है, एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं. लेकिन एंजाइम में केवल प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन के साथ कुछ एंजाइम्स में कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है. ठीक है, ध्यान से सुनना. कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें केवल प्रोटीन पार्ट होता है. जैसे सपोज करो यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम. ठीक है, ऐसा एंजाइम जिसमें केवल और केवल प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट है उसे बोलते हैं एपो एंजाइम. लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं कोफैक्टर. ठीक है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोफैक्टर. सो सपोज करो कोई एंजाइम है जिसमें प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है, यानी एपो एंजाइम भी प्रेजेंट है, और नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है जिसे कोफैक्टर कह रहे हैं, और ये दोनों मिला के क्या बनेगा, होलो एंजाइम. ठीक है, ये दोनों मिला के क्या बनेगा, होलो एंजाइम. अब ध्यान से सुनना,
अगर ये एपोएंजाइम और कोफैक्टर अलग अलग हैं तो ये क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे. एपोएंजाइम द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम और कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, अगर ये दोनों अलग अलग होंगे तो ये क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे. लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो बनेगा होलो एंजाइम, एंड होलो एंजाइम इज एन एक्टिव एंजाइम. समझो. अब बात आती है कि जो ऐसे एंजाइम है जो केवल प्रोटीन के बने हैं उन्हें कोफैक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी है उन्हें कोफैक्टर की जरूरत होती है अपने आप को एक्टिव बनाने के लिए, अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए. तो अगर हम एंजाइम में से कोफैक्टर को अलग कर दें, इफ वी रिमूव कोफैक्टर फ्रॉम एंजाइम, अगर हम एंजाइम में से कोफैक्टर को रिमूव कर दें तो क्या होगा, एंजाइम अपनी कैटलिटिक एक्टिविटी को खो देगा, यानी वो कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर पाएगा, वो बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करवा पाएगा. ठीक है, ये बात आ जाती है किसके बारे में, एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में. तो बड़ा फेमस ये पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि कोफैक्टर प्लस एपोएंजाइम टुगेदर नोन एज होलो एंजाइम, और ये क्या होते हैं, ये इनएक्टिव पार्ट होते हैं. जो जब तक ये अलग अलग हैं तब तक ये इनएक्टिव पार्ट हैं, दोनों एक साथ बाइंड हो जाते हैं तो होलो एंजाइम बन जाता है, और होलो एंजाइम इज द एक्टिव एंजाइम. और उसके साथ साथ बात आती है कि अगर इसमें से कोफैक्टर को अलग कर दो तो एंजाइम अपना अस्तित्व खो देगा और अपनी आइडेंटिटी खोएगा, तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करा पाएगा. ठीक है, ये कोफैक्टर के बारे में कंपोनेंट आ जाता है, पॉइंट्स आ जाते हैं. इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलो, अब हम बात कर रहे हैं कि जो कोफैक्टर है यानी जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ध्यान से सुना, जो हमने पढ़ा कि जो कोफैक्टर है या जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो भी कई टाइप का होता है. कितने टाइप का होता है, तो तीन टाइप का होता है, एक दो और तीन. पहला टाइप है प्रोस्थेटिक ग्रुप. पहला टाइप क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप. अगर कोई, ध्यान से सुना, अगर कोफैक्टर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कोफैक्टर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्रोटीन पार्ट के साथ बहुत टाइटली बाउंड है, तो उसे बोलेंगे क्या, कोफैक्टर. तो कोफैक्टर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विच इज वेरी टाइटली बाउंड विथ एपोएंजाइम. जो प्रोटीन के साथ बहुत टाइटली बाउंड है उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. एग्जाम्पल, हेम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप. हेम जो है आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, एंड इट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप इन पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज एंजाइम. तो दो एंजाइम है, इंपॉर्टेंट है. अगर इससे क्वेश्चन आएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप से तो यही एग्जाम्पल पूछेगा, हेम ही पूछेगा, और दो एंजाइम पेरोक्सीडेज और कैटलेज का ही नाम पूछेगा. ठीक है, और पूछेगा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, किस तरह से वो एपोएंजाइम से बाइंड होता है. तो ये अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप आया तो यही तीन चार क्वेश्चन बनते हैं, पांचवा कोई नहीं बनेगा. ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप अंडरलाइन करना है कि भाई प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो किस तरह का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. जस्ट अ सेकंड, प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बहुत टाइटली बाउंड होता है किसके साथ, प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ, यानी एपोएंजाइम के साथ. एग्जाम्पल हेम का ही एक ही एग्जाम्पल, और यही पूछेगा जो किस रिएक्शन को परफॉर्म कराता है, पेरोक्सीडेज और कैटलेज जो है किस रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको याद होगा, C2 साइकिल, किसी को याद है C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस जब पढ़ा होगा तो वहां पर एक C2 साइकिल होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीजोम, तीन सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं इस C2 साइकिल को गवर्न कराने के लिए. तो वहां पर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये एंजाइम एक्ट करते हैं. दूसरा आता है कोएंजाइम. कोएंजाइम इंपॉर्टेंट है, क्या है कोएंजाइम, ये भी एक तरह का कोफैक्टर है, ये भी ऑर्गेनिक है लेकिन लूजली बाउंडेड है. अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप
और कोएंजाइम में डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस है? प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है लेकिन टाइटली बाउंड है, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक है लेकिन लूजली बाउंड है। ठीक है, लूजली बाउंड होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे, इन मेनी कोएंजाइम्स विटामिन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कई कोएंजाइम्स होते हैं जिसमें विटामिन्स पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं एनएडी, एनएडी, एनएडीपी कंटेन नियासिन, एनएडी निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फॉस्फेट ये हो गया एनएडीपी, और इसमें नियासिन पाया जाता है। और नियासिन क्या है? ये कोएंजाइम है। कोई बता सकता है ये कौन से विटामिन के कंपोनेंट है? विटामिन बी थ्री। चलो बी फाइव किसको कहते हैं बेटा? रिवाइज करो एक बार। ठीक है, बी थ्री और बी फाइव। चलो तीसरा देखते हैं, बी थ्री और बी फाइव में एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि जो बी थ्री और बी फाइव में उल्टा अपोजिट लिख देता है, तो बी थ्री और बी फाइव में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मेटल आयन। मेटल आयन की बात करें तो ये भी एक तरह का कोफैक्टर है। ठीक है, मेटल आयन भी एक तरह का कोफैक्टर है। अगर इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर है वो इनऑर्गेनिक आयन है या इनऑर्गेनिक एलिमेंट है तो वो क्या होगा? मेटल आयन। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम ये दोनों ऑर्गेनिक हैं, इसके अलावा इनऑर्गेनिक है। और मेटल आयन दे आर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन एट एन एक्टिव साइट विद वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। जैसे कि ये समझो, ये जो एपोएंजाइम है, एपोएंजाइम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के एपोएंजाइम के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये भी एक एक्टिव साइट पे अटैच होता है, और जिस एक्टिव साइट पे ये अटैच होता है उसे बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। तो ये जो एक्टिव साइट है इसका नाम हम लिख देते हैं, ये एलोस्टेरिक साइट है, एलोस्टेरिक साइट पर ये अटैच होता है। तो जैसा सबस्ट्रेट में एक्टिव साइट था एंजाइम के साथ बाइंड होने के लिए, वैसा ही यहां पर जो है एंजाइम में एक और एक्टिव साइट है जहां पर ये मेटल आयंस बाइंड होते हैं। और मेटल आयंस जिस जगह पे बाइंड होते हैं वो क्या होता है? एलोस्टेरिक साइट। इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, डायग्राम में देख सकते हो, ये वो जो पोजीशन है इस डायग्राम में, ये जो पोजीशन है जहां पर ये कोफैक्टर अटैच हो रहा है, तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? ये एलोस्टेरिक साइट है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। तो तीन तरह के कोफैक्टर्स पाए जाते हैं, दो ऑर्गेनिक हैं और एक इनऑर्गेनिक है। अगर ऑर्गेनिक टाइटली बाउंड है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, अगर लूजली बाउंड है तो वो कोएंजाइम है, और अगर इनऑर्गेनिक एलिमेंट या आयन है तो वो मेटल आयन होगा जो एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होगा एंजाइम के साथ। एग्जांपल जिंक, जिंक पाया जाता है किसमें? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिंक। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।